इंडिया की टॉप मोस्ट सिंगर नेहा कक्कर की बायोग्राफी बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में नेहा कक्कर के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेहा कक्कर के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। नेहा कक्कर जो कि आपको बता दें कि इंडिया की टॉप मोस्ट सिंगर्स के अंदर काउंट होती हैं और उन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी सफलता को हासिल किया था। तो उनकी आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगलिंग एजेस रहे हैं, उनकी सफलता के पीछे संघर्ष की क्या कुछ वजह रही है, संघर्ष से लेकर पूरी सफलता तक की जर्नी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करें उनके डेट ऑफ बर्थ से। तो उनका जन्म हुआ था 6 जून 1988 को ऋषिकेश में उन्होंने पैदा लिया था। और जन्म लेने के बाद आपको बता दें कि वो बेहद ही क्यूट और बेहद ही एक सुपरस्टार के तौर पर पैदा होकर वो उन्होंने कम समय में अपने गाने के माध्यम से अपनी पहचान बना ली थी। और साथ ही साथ अगर उनके फैमिली कंडीशन की बात करें तो फैमिली कंडीशन कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। उनके पापा समोसे बेचते थे, उनके एक समोसे के बेचने वाले थे। और साथ ही साथ उनकी एक बहन यानी सोनू कक्कर और टोनी कक्कर ये जगराते में गाना गाते थे। तो जो भी है ओवरऑल इनकी फैमिली जगराता के पैसे और जो समोसे बेचकर उनके पापा पैसे कमाते थे उसके बदौलत उनका घर चलता था। वेल, ये फैमिली ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और स्ट्रगल करते करते सोनू कक्कर यानी उनकी बड़ी बहन जगराते में गाते गाते उन्होंने अपने पापा को एक दिन सजेशन दिया कि हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ पर हमें जगराते से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम ज़्यादा कमाई कुछ कर पाएंगे। और बिना सोचे समझे उनके पापा ने उनकी बेटी का बात की के बातों में आकर वो लोग दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद आपको बता दें कि नेहा कक्कर की फैमिली की जैसे लाइफ ट्विस्ट और टर्न हो गई और बेहद ही अच्छी सफलता की ओर जाने लगी। ऐसे में नेहा कक्कर, सोनू कक्कर, टोनी कक्कर ये तीनों ने जगराते में गाना शुरू कर दिया और दिल्ली में इन्होंने बेहद ही कम समय में बेहद ही अच्छा नाम बना लिया। इसी समय जहाँ आपको बता दें कि नेहा कक्कर ने शुरू ही किया था, स्ट्रगलिंग पीरियड बेहद ही छोटी थी और छोटे से ही उन्होंने अपनी दीदी यानी कि सोनू कक्कर से गाना सीखा और अपनी सिस्टर यानी सोनू कक्कर को फॉलो करते करते उन्होंने गाना सीख लिया और गाने के और उसी तौर पर टोनी कक्कर भी उन लोगों के हेल्प करते थे। वहीं से नेहा कक्कर की शुरू हुई थी गाने की जर्नी। उसके बाद आपको बात बता दें तो 2006 में इंडियन आइडल में नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल के कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन उनका हो गया था और सिलेक्शन होने के बाद आपको बता दें कि वो 8वें राउंड पर फाइनल्स आ चुका था लेकिन 8वें राउंड में वो आउट हो गए, जो कि बेहद ही सैड मोमेंट था उनके लिए और उनको बेहद ही बुरा लगा। आखिरकार उन्होंने अपने 11th के एग्ज़ाम्स भी छोड़ दिए थे अपने इस शो के लिए। लेकिन फ़िलहाल आगे की बात बताती हूँ कि नेहा कक्कर के साथ बेहद ही स्ट्रगलिंग टाइम रहा है। प्रीतम दा ने उन्हें एक फिल्म में गाने के लिए सेलेक्ट किया था और साथ ही साथ सेलेक्ट करने के बाद लेकिन उनका उनके आवाज़ उस गाने के साथ मैच नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो गाना फिर सुनिधि चौहान को दे दिया गया। वो भी उनके एक टाइम का एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस वक्त वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड एक ना एक दिन आखिरकार ख़त्म हो जाता है जब नेहा कक्कर को मिलता है एक बेहद ही बड़ा ब्रेक, जब वह खुद का एक गाना लेकर आती है, नेहू द रॉक स्टार। और उसके बाद से लाइक आपको बता दूँ कि नेहा कक्कर की ज़िंदगी जैसे बदल ही जाती है। उसके बाद वह एक एक करके नए नए गानों में दिखने लगती हैं। फिर आपको बता दें कि जैसे उनके हिट सॉन्ग्स रहे हैं, बेहद ही सारे हिट सॉन्ग्स रहे हैं, बहुत कम समय में उन्होंने बॉलीवुड में पहचान बना ली। बॉलीवुड में पहचान बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने गाने में अच्छी पहचान बनाई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सेकेंड हैंड जवानी में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, जिसमें बेहद ही अच्छे अंदाज में उन्होंने गाना गाया। उसके बाद कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा वाले गाने की अगर बात करें तो हनी सिंह ने उन्हें इस गाने को रिकॉर्ड करने को बोला था और रिकॉर्ड करने के बाद ही नेहा कक्कर को बेहद ही अच्छा मौका मिला। नेहा कक्कर उसके बाद आपको बता दूं कि अगर हम उनके बेहद ही अच्छे मौके के साथ गाने में आगे बढ़ती गई, मिले हो तुम हमको बहुत ही सारे गाने गाए और इसके बाद उनकी हम चलते हैं अफेयर्स की तरफ। अफेयर्स की बात करें तो सीधे उनके अफेयर्स की खबरें, सबसे पहले उनके नाम जोड़ा गया था हिमांश कोहली के साथ, वो भी इंडियन आइडल के सेट
सेट पर हिमांश कोहली ने नेहा कोहली को कर दिया था प्रपोज, और नेहा कोहली और हिमांश कोहली, आपको बता दें कि हमें लगा था ऐसे नेहा कक्कर हिमांश के साथ जल्द ही शादी करने वाली हैं, और वेल बीच में इन दोनों का हो गया ब्रेकअप, और ब्रेकअप के बाद इनके लाइफ में आए इनके सुपर हीरो यानी कि रोहन प्रीत। जी हाँ, रोहन प्रीत के लाइफ में आने के बाद फाइनली अब ये कर चुकी हैं शादी, और आपने देखा होगा नेहू दव्या यानी कि आजकल सुर्खियाँ यानी टॉप ऑफ द टाउन की सुर्खियाँ बने हुए थी नेहा की शादी, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की और फैंस लगातार उनके फोटोज़ और वीडियोज़ पर नज़र गड़ाए बैठे थे। ऐसे में ये रही है नेहा कक्कर की संघर्ष से लेकर सफलता की जर्नी। वेल आपको अगर ये उनकी स्टोरी बेहद ही पसंद आई तो ज़रूर बताइए, साथ ही साथ नेहा कक्कर आपको कितनी पसंद है ज़रूर कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में, और तमाम बॉलीवुड की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।